सबसे बड़ी उपलब्धि इस चातुर्मास की यही होगी कि अपने लिए घर तो सब बनाते हैं, जो मुनियों के लिए बनाते हैं वो भगवान है। कल ऐसी विषय चला कि एक मिशन पुलक मंच के हाथ में होना चाहिए। कल थोड़ा सा बोला और दो तीन जगह से जमीन देने वाले लोग आ गए कि हम देते हैं, आप इसको बनाइए। निश्चित ही ये पूरे देश में बनेंगे, लेकिन जब भी याद किया जाएगा तो औरंगाबाद को पहले याद किया जाएगा कि ये तकलीफें हमको होती हैं बिहार में। अपने नगर में आके तो सब कह देते हैं, जब तक सूरज चांद रहेगा और मुनियों का सम्मान रहेगा। सारा सम्मान पता तब चढ़ता है जब जंगल से बिहार होता है कि कितना सम्मान रहेगा, लेकिन यहाँ ने किया है। यहाँ जिन शरणम से भी बहुत लोग जुड़ रहे हैं, हम उसकी भी एक टीम यहाँ पर तैयार करने जाएंगे। जिन जिन ने प्रतिमाएं दी हैं, ट्रस्टी बने हैं शांति धारा में, उन सब का एक ग्रुप का निर्माण करके भाई महावीर जी के नेतृत्व में, महावीर जी पाटनी जो ट्रस्टी बने हैं, यहाँ पर एक जिन शरणम विकास समिति का गठन शीघ्र होने जाएगा। और जो मुनि संघ के लिए, मुनि बिहार के लिए बन रहा है, उसमें प्रकाश जी के नेतृत्व में सब काम यहाँ पर होगा, प्रकाश जी अजमेरा। और हमने ये कहा है कि इसमें पैसा ऐसा मत मांगो, अपनी समाज में बहुत परेशान हो गई समाज, जो आए पैसा पैसा पैसा। जो जिस क्षेत्र का आदमी है वो अपना सामान वहाँ पे मटेरियल पहुँचाए। जैसे कि हम चर्चा हुई थी तो दो चार लोगों ने बोला है कि हमारे महावीर जी ठोले बोले वहाँ जितना भी खिड़की विंडो आदि होंगे वो हमारी तरफ से लगेंगे। अपने को कोई फंडंड थोड़ी बनाना है, अपने को काम होना है। किसी ने कहा कि इतनी सीमेंट मेरी तरफ से जाएगी, किसी ने कहा इतना लोहे का सलिया मेरी तरफ से जाएगा। तो जिसको जो भी सहयोग जिस रूप में देना हो, मैं चाहता हूँ कि आप सबके सहयोग से ये सब मुनि मंदिरों का निर्माण हो, बिहार हो, है ना। तो एक इसकी भी एक समिति बनाएंगे सबको जोड़ करके, और जगह जगह ताकि हमारे मुनि निर्भय और निशंक हो करके बिहार कर सकें, उनकी धर्म प्रभावना की यात्रा सतत चलती रहे, ऐसा जगह जगह। पहाड़ी जी कल मेरे पास आए, क्या नाम, अजित जी, जितेन जी पहाड़े, और उन्होंने कहा कि महाराज मैं जमीन प्रदान करता हूँ, आप आशीर्वाद दें, और यह काम आपको कल से शुरू करना तो कल से शुरू कर दीजिए। और हमारे चंद्रमोहन जी आर्किटेक्ट, चंद्रशेखर जी, उन्होंने कहा कि जहाँ की जितनी भी डिजाइन होंगी, मैंने कहा आप जैन हो हम पैसा नहीं देंगे, ध्यान रखना, सब जैनों से ही काम लेंगे। तो बोले पूरी डिजाइन है मैं करके दूंगा पूरा भी जो है। और एक इंजीनियर हमारे महामंत्री यहाँ समाज के, इन्होंने कहा कि मैं भी पूरी अपनी सेवाएं उसमें पर, जैन होके इतने ऊँचे पद पर जाके अब तुम्हारा उपयोग करेंगे, फ्री में काम करना है आपको, फ्री में क्या, यही आपका उसमें सहयोग हुआ करता है। कोई बिल्डर हो, कोई कॉन्ट्रैक्टर हो जैन समाज का, तो उसका फर्ज होता है कि वो खुद आए कि महाराज आशीर्वाद दीजिए, मैं संतों के लिए बनाने का प्रयास करूंगा मुनि बिहार में। नंदुरबार के यहाँ पर एडवोकेट हैं, क्या नाम उसका, राकेश, नंदुरबार में आज तक नहीं गया, लेकिन वो यहाँ पुलक मंच से जुड़ा है, और उसने अपनी कह दी कि मेरी जमीन है, चाहे 1000 फीट चाहिए, 2000 3000 फीट जितनी भी जमीन चाहिए सब मैं देता हूँ। वहाँ भी एक संत विहार धाम वहाँ पर बनेगा, उसको भी मैं बहुत बहुत आशीर्वाद देता हूँ। नंदुरबार में भी एक टीम खड़ी हो रही है, ये अलख जगी है, बड़े बड़े तीर्थ तो सब बनाते हैं, आए हम चलते फिरते तीर्थों का आवास बनाने का प्रयास करें। तो ये सब व्यवस्थाएं वहाँ पर होंगी, इनकी चर्चाएं विशेष करेंगे सब बैठ करके, है ना। यहाँ के जो मेन स्तंभ हैं, ललित वगैरह, अशोक जी, जो भी कमेटी पंचायत समिति, सब बैठ करके आपस में ऐसा निर्णय लें कि हमें संतों के बिहार में, क्योंकि मैं सोचता हूँ कि महाराष्ट्र में इतनी बड़ी मुनि भक्त समाज कहीं है तो औरंगाबाद में ही समाज है।
जो गुरुओं की भक्ति करती है, मुनियों की भक्ति करती है, इस श्रृंखला को आगे बढ़ाएं और मेरा पूरा पूरा आशीर्वाद रहेगा। अब अपन सुन रहे हो, बस कुछ समझ आ रहा है कि नहीं, टफ हो रहा है ना। कल एक महिला आई मेरे कमरे में इतना बड़ा घड़ा लेकर के, बोले महाराज ये चलेगा? अरे मैंने कहा मुझे क्या करना घड़े का। बोले नहीं, हम मंदिर से बाल्टी हटा रहे हैं, कलश में जल भर करके लाएंगे। तो मुझे लगा कि चलो मेरा बोलना कहीं तो सार्थक हो गया, कि चेंज तो आ रहा ना। ललित भाई भी बोले कि कैसे बर्तन होना चाहिए, क्या होना चाहिए, चर्चा कर रहे थे। मैंने बताया सब चीज हमारे मंदिर में मांगलिक होना चाहिए। समझ में आ रहा? क्या होना चाहिए? अमांगलिक, ग्रस्तों जैसा मंदिर नहीं होना चाहिए, घर गृहस्थी जैसा नहीं होना चाहिए। उसके बर्तन भी मांगलिक हों, उनके वस्त्र भी मांगलिक हों, भगवान का अंग पहुंचना भी मांगलिक हो, भगवान की बैठक भी मांगलिक हो, हर चीज मंगलमय मंगल होना चाहिए। तब जाकर के हमारे पापों का, कहने से नहीं होता है सो पंचण मो यारो, करना भी पड़ता है। सब चीजें मांगलिक हो जाए, ध्यान रखना जो पूजन में 10% आनंद आ रहा है, सब चीज मांगलिक होंगी 100% आनंद की अनुभूति आपको होगी, सुख मिलेगा। तो इस तरह से आज अपन देखते हैं कि द्रव्य मंगल की बात। मंगल कितने होते हैं? कौन कौन से? नाम बोलो। नाम, स्थापना, द्रव्य, क्षेत्र, काल, भाव। सबसे मेन मंगल कौन है? भाव। भाव यानी वे आत्माएं, आत्मा बहुत सारी हैं, वे आत्माएं जो रत्नात्रय से पवित्र हैं, वे मंगल हैं। समझ में आया? दिमाग में भर लो भाव का अर्थ। कौन सी आत्माएं? जो रत्नात्रय से पवित्र हैं, जो पापों से मुक्त हैं, वे आत्माएं मंगल कहलाती हैं। अब ये जाल परिभाषा किस किस में लगेगी? तुम लोगों में? रत्नात्रय से पवित्र, बोलो, पापों से मुक्त, विषयों से दूर, कौन होते हैं? नमो अरहंताणम, नमो सिद्धाणम, नमो आयरीयाणम, नमो वज्झायाणम, नमो लोए सौवसाहो। ये ही है इसमें खरी। एक तो वो हो गई जिनको रत्नात्रय के फल की प्राप्ति हो गई, और एक वो है जो रत्नात्रय से शुद्ध है। ध्यान रखना कितने हो गए मंगल? पंच परमेष्ठी। समझ में आ रहा? ये मंगल है। मंगल दो प्रकार के, अब द्रव्य मंगल पढ़ रहे, नाम मंगल समझ में आया? किनके नाम मंगल हैं? बोलो। जिनके भाव मंगल हैं। भाव किसके मंगल हैं? अरहंत सिद्धा चतारी, अरहंत मंगल, सिद्ध मंगल, साहू मंगल, इनके भाव मंगल है। समझ में आ रहा? अभी तुम्हारे भाव मंगल नहीं है। क्लियर हो रहा? तो इनके, जिनके भाव मंगल है उनका ही नाम मंगल है, उनकी ही स्थापना मंगल है। स्थापना क्या होती है? मूर्तियां, प्रतिमाएं। समझ में आ रहा? और यंत्र, यंत्र की पूजा करते ना? नहीं करते? वो आतदाकार स्थापना। और मूर्ति कैसी स्थापना है? तदाकार। इनका मतलब समझ रहे? तदाकार क्या होता है? तदाकार, आतदाकार, तद धन आकार, संधि विच्छेद कर दो। तद माने संस्कृत में जैसा है भगवान, वैसा ही आकार। भगवान के क्या, भगवान का आकार कैसा? शांतिनाथ मुख शशि उनिहारी, शील गुणावृत संयम धार, शांति छवि वीतराग मुद्रा, वैसी की वैसी मुद्रा किसी पत्थर पे बना देना तदाकार हो गया। समझ में आया? चित्र में बना देना तदाकार हो गया, काष्ट में बना देना तदाकार हो गया, सोना चांदी में बना देना तदाकार हो गया। तो वह तदाकार मुद्रा है स्थापना मूर्ति। आतदाकार में क्या आएगा? आकार वैसा नहीं है लेकिन गुण वैसे ही हैं। वो होते हैं यंत्र। समझ में आ रहा?
है बात वही, एक में आकार है और एक में आकार। जैसे श्री लिख दिया 24 तीर्थंकर, ये कौन सी स्थापना हो गई? आतदाकार। समझ में आ? इसमें नाक नक्शे नहीं है। क्षेत्रपाल देखें, कहीं तदाकार होते हैं, कहीं अतदाकार होते हैं। सिंदूर डालते जाते हैं, है ना, तेल डालते जाते हैं, ऐसा बनते जाता है वो। बहुत अतदाकार क्षेत्रपाल है ना, और चार भुजा और ये सब बना दिया, वो तदाकार क्षेत्रपाल। समझ में आ गई दो चीज? नहीं आई? तदाकार अतदाकार समझ में आ गया? अतदाकार माने वैसा आकार तो नहीं है, लेकिन वैसे गुण है। क्लियर हो रहा? तो मूर्ति कौन सी स्थापना है? जैसा जिनेन्द्र भगवान थे वैसा, है ना। और मंत्र यंत्र आतर, इनमें आकार नहीं। कठिन हो रहा है? शब्द कठिन लग सकता है, अर्थ सरल है, है ना। बोलने में शब्द कठिन लगेगा, लेकिन अर्थ कैसा है? सरल है नहीं? अरे बोलो हाँ या ना, तो आगे बढ़े। हम तो ऐसे चुप हो जाते हैं बिल्कुल, कि जैसे बहुत ऐसा भारी बम पटक दिया हम। तदाकार अतदाकार समझ गए या नहीं है? समझ गए। जिसमें आकार हो वो तदाकार, जिसमें आकार नहीं हो लेकिन ऐसा लगे कि ये वही है। पेन दे दिया, रख लिया, जैसे चलो पेन भी नहीं, महाराज के चरण उछाले, कौन सी स्थापना? वो चरण है या महाराज ही है? आकार नहीं है महाराज का, लेकिन क्या है उनके? आतदाकार, है ना। और फोटो लगा ली तो तदाकार, हाथ पैर सब इंद्रियां बन गई, वो तदाकार। आ गया होगा समझ में? जैसे ओम रीम पासना जिनेन्द्र त्रोतर उतर शंभो षट बोलते ना, तो वो जो लौंग है वो आतदाकार भगवान है। क्या है? स्थापना की ना आपने। कभी भी थाली में स्थापना नहीं करना, ठोने क्या बोलते तुम्हारे यहाँ उसको, ऐसा होता ना, आशी का पात्र। हाँ, वो ऊंचा होना चाहिए, उसमें जो लौंग रखी है वह अतदाकार स्थापना है। जब भगवान सामने बैठे तो अतदाकार स्थापना क्यों की? क्योंकि भगवान दूर वेदी में है, मुझे सन्निधिकरण चाहिए, मुझे पास बुलाना है, इसलिए लौंग में बुला लिया, हे भगवान आप इसमें आ जाओ, है ना। क्यों आ जाओ? क्योंकि इतने बड़े हाल है, मान लो यहाँ भगवान रखे तो हर कोई थोड़ी उनके पास बैठ सकता है ना। तो भगवान हम तो तुम्हारी वेदी में आ नहीं पा रहे, ऐसा करो तुम आ जाओ। कहाँ आ जाओ? मेरे पास। सन्निधिकरण बिल्कुल निकट, दूर नहीं। अत्र मम सन्निहितो भव भव वसत, है ना। हे भगवान मेरे बिल्कुल निकट आके बैठ जाओ। क्यों? क्योंकि तुम निकट रहोगे तो मेरा मन चंचल नहीं होगा। जैसे कहा ना, जिनवाणी रख दी सन्निधिकरण, अब झूठ नहीं बोल सकते। ये क्या हो गया? जिनवाणी का सन्निधिकरण पूजन में। समझ आ ना? तो जो स्थापना में आशिका पात्र में आपने लौंग या फूल रखे हैं, वह भी भगवान है। और जो वेदी पर बैठे हैं वह, लेकिन दोनों कौन से भगवान है? स्थापना, एक तदाकार और एक अदाताकार। और जो सीमंदर भगवान विदेह क्षेत्र में है, वो भाव जिनेन्द्र है, वो जीवंत हैं। समझ में आ रहा? नहीं। जैसे हम यहाँ पर अभी हैं तो भाव मुनि है, क्या है? जीवंत है ना। जब चले गए तो फोटो क्या हो गई? स्थापना मुनि। कौन सी? तदाकार और अतदा। क्लियर हो रही बात? समझ में आ रही? ये सब मंगल है। जो लोग कहते हैं कि भगवान बैठे तो स्थापना क्यों करना, अरे उनके पास कैसे जाओगे फिर तुम? सन्निधिकरण लिखा है ना, उतने दूर लास्ट में बैठ के पूजा कर रहे, भगवान तो 100 फीट दूर बैठे हैं,
तो सन्निधिकरण कहाँ हो, फिर किसकी पूजा कर रहे हैं, है ना? सन्निधिकरण, उनके पास बैठना। रो रहा है कि सब्जी बेच रहा है, समझे नहीं आ रहा है क्या कर रहा है। तुम्हारी मराठी में ऐसे ही बेचते होंगे ना? नहीं, ऐसे हमने सुना कि बारात लेते समय भी दूल्हा ऐसे ही बोलता है, ए भाई फंस गए हम। चलो चलिए, अब द्रव्य मंगल के दो भेद हैं, स्थापना के दो भेद हो गए, कौन कौन से याद रहेगा या नहीं? अब जब भी मंदिर में जाओ, आशिका पात्र में जो आप लौंग रख रहे हो उसे कौन सी स्थापना बोलोगे? आ तदाकार स्थापना। मूर्ति कौन सी है? तदाकार स्थापना। जिनेन्द्र भगवान कितने प्रकार के हो गए? दो प्रकार के, भाव जिनेन्द्र और स्थापना जिनेन्द्र। मूर्ति मंदिर में कौन सी जिनेन्द्र है? स्थापना जिनेन्द्र। और साक्षात चौथे काल में कौन से थे? भाव जिनेन्द्र। और उनका नमोकार मंत्र क्या है? नाम जिनेन्द्र। समझ में आ रहा, नाम स्थापना और फिर द्रव्य जिनेन्द्र। अब देखो, द्रव्य मंगल दो प्रकार के होते हैं। अच्छा तुम एक बात बताओ, महाराज का पड़गाहन करते हो तो ये लोटा, एक लोटा नहीं कलश, और ये नारियल सुपारी अष्ट द्रव्य लेके क्यों खड़े होते हैं? हे स्वामी हे स्वामी हे स्वामी, दो लोटा दो लोटा दो लोटा। महाराज बोले मेरे को चाहिए तीन लोटा तीन लोटा। तुम्हारे पास दो लोटा, हम भी फिर लौटा। समझ में आ रहा होता है कि नहीं? ये खड़े ये लेके क्यों खड़े होते हैं? दिमाग लगाओ, थोड़ा सा और लगा लो, है तो बहुत सारा, नहीं थोड़ा और लगा लो, है ना? ये करते ना, ओम राम रीम नमो यंताणम पूर्व दिशा समागत विघ्न निवाराय निवाराय मामेतान रक्ष रक्ष स्वाहा। सरसों फेंकते ना, क्यों? ये पूजा करते हो भगवान की तो सामग्री चढ़ाने की क्या जरूरत है? बिना उसके भी तो कर सकते हो, क्यों नहीं कर सकते? क्या प्रॉब्लम है आपको? जन्म जरा मृत्यु का नाश करना है तो पानी लेने की क्या जरूरत है? उसके बिना करो तो भाव नहीं लगेंगे। अरे तुम्हारे भावों की चर्चा ही नहीं हो रही, अपनी बात मत करो तुम, यहाँ जिनेन्द्र भगवान की चर्चा हो रही, अपने को बीच में क्यों ले आते? ये सब मालूम होना चाहिए अपने को, नहीं तो लोग कहेंगे कि पूजा से क्या होता है, इस थाली का द्रव्य इस थाली में रखने से क्या होता है, इधर लिया इधर रख दिया इधर लिया। एक पंडित आए, बोले महाराज ये क्या करा रहे हैं? मैंने कहा विधान। तो बोले जी हो क्या रहा, इस थाली का उठाया इसमें रख दिया, इससे कोई क्या होता है, पुण्य लगता है क्या? यहाँ की चावल उठाए यहाँ रख दिए, पूजा में क्या होता है? यहाँ का पानी उठाए यहाँ रख दिया, फूल उठाए यहाँ रख दिए, बोले इससे क्या होता है? मैंने कहा कुछ नहीं होता। तो बोले क्यों बर्बाद कर रहे सामग्री को? मैंने कहा पंडित एक बार बता। बोले क्या? मैंने कहा जब तू खाने बैठता है तो इस थाली का इस थाली में रखने से क्या होता है? हमारे साथ तो भिड़ना मुश्किल है ना। मैंने कहा तू यहाँ का उठा के यहाँ क्यों रखता है, इससे क्या होता है? बोले पेट भरता है। मैंने कहा उससे पुण्य भरता है। समझ में आ? वैसे ऐसे खोपड़ी आ जाती है तो फिर अपन को वैसे ही जवाब देना पड़ता है कि तू यहाँ का यहाँ में तुझे कुछ नहीं लग रहा, ये रखने में बहुत कुछ लग रहा। एक आया बोले महाराज दीपक नहीं जलाना। मैंने कहा क्यों? बोले नहीं नहीं एक बार हमने देखा कि दीपक में एक मक्खी मर गई थी, उस घी में गिर गई थी, उस दिन से हमने त्याग कर दिया कि आज के बाद दीपक नहीं जलाएंगे। पंडित मैंने कहा एक बार तेरी दाल में मक्खी गिर गई थी। फिर क्या किया तूने दाल का? बोले हटा के दूसरी ले ली। तो मैंने कहा हटा के दूसरा दिया जला दे, क्या दिक्कत है?
उसमें काहे का प्रॉब्लम? तूने दीपक जिंदगी भर को छोड़ दिया और दाल खा रहा है, तो दाल भी छोड़ ना, मक्खी तो दाल में भी गिर जाती है, तो कटोरी बदल के दाल खा लेगा, अरे मैंने कहा दिया बदल के दूसरा रख दिया, अपन ने थोड़ी डाली, मर गई तो मर गई, अब क्या करें? तो मंदिरों की चीजें छोड़ देते हो, घर की चालू रहती है, ये कैसा घोटाला है तुम्हारा? दाल तो पंडित ने मरते दम तक नहीं छोड़ी, दिया छोड़ दिया मंदिर का, बोले नरक जाएंगे नरक, मैंने कहा ये जाए या नहीं जाए तू जरूर जाएगा, बोले मैं क्यों जाऊंगा, मैंने कहा आरती जलाने वाला नरक जाए ऐसा शास्त्रों में नहीं लिखा है, लेकिन आरती को देख के गुस्सा करने वाला जरूर नरक में जाएगा, ये शास्त्रों में लिखा है, तू तो गुस्सा क्यों कर रहा है, उसको चला करने दे उसको पूजा, समझ में आ रहा है? तो मंगल, द्रव्य मंगल दो प्रकार का होता है, द्रव्य मंगल, इसको और समझ लो, ये छोटी छोटी बातें आपके बहुत काम की हैं, भूलना नहीं, और भूल जाओ तो जिन शरणम मीडिया में दोबारा आप देख लेना, उसमें हमेशा मिलेगा आपको, है ना, भूल भी सकते हो, इतने विद्वान थोड़ी हो, नहीं हो लेकिन यदि इतने विद्वान हो तो बताओ ये कैमरा लगाने की क्या जरूरत थी, कि तुम्हें याद नहीं रहेगा इसलिए तो लगा ये कैमरा, है ना, जिन शरणम मीडिया में मैं यहाँ रहूँ या ना रहूँ मेरी ये आवाज़ और मेरे ये प्रवचन उसमें जरूर मिलेंगे, जब भी कभी लगे कि हमको सीखना है धर्म क्या है, जिन शरणम मीडिया को देख ली, यूट्यूब चैनल, है ना, डेट वाइज सब क्लासें उसमें, सारे प्रवचन उसमें, तो ये बहुत ज़्यादा जरूरी है। तो द्रव्य मंगल दो प्रकार के होते हैं, कितने प्रकार के, एक लौकिक मंगल और एक अलौकिक मंगल, कितने हो गए, लौकिक मंगल और लोकोत्तर मंगल, समझ में आ रहा कि नहीं आ रहा, लौकिक मंगल क्या होते हैं, लोकोत्तर मंगल क्या होते हैं, तब आपको पूरी पूजा समझ में आ जाएगी, अभी तक तो तुम बस कर रहे हो, यही कर रहे हो, यहां का उठा के यहां रख रहे हो, समझ में आ रहा, लोकोत्तर मंगल क्या होते हैं, लौकिक मंगल क्या होते हैं, लोकोत्तर मंगल केवल चार हैं, कौन से, चत्तारि मंगलम, अरिहंत मंगलम, सिद्ध मंगलम, साहु मंगलम, केवली पणत्तो, ये चार मंगल लोकोत्तर के लिए बोले हैं, नहीं तो बोलो ये गलत लिखा महाराज ने तो बहुत सारे बता दिए, है ना, ये चार मंगल कौन से, लोकोत्तर, पूज्य भगवान परमेष्टि पंच परमेष्टियों को लोकोत्तर मंगल, ये लौकिक नहीं है, संसारिक नहीं है, ये संसार से ऊपर है, इनको कौन सा मंगल कहते, तो जब बोला जाए चत्तारी मंगलम तो वहां सरसों वरसों को नहीं बोला जा रहा, किसको बोला जा रहा है, मंगल चार ही होते हैं, ये चार लोकोत्तर होते हैं, है ना, लौकिक चीजों से इनको कोई मतलब नहीं, समझ में आए, कौन कौन से होते हैं लोकोत्तर मंगल, याद करो, चत्तारी मंगलम बोलते जाओ, अरहंत मंगलम, सिद्ध मंगलम, साहू मंगलम, केवली पणत्तो, समझ में आ रहा ना, अब है लौकिक मंगल, दो हो गए लौकिक और लौकिक मंगल क्या होते हैं? इनके अलावा जितने भी हैं सब लौकिक मंगल, लेकिन वो लौकिक मंगल बने कैसे, कैसे बने लौकिक, ये तो रत्नात्रय से पवित्र हो गए, सरसों तो रत्नात्रय से पवित्र नहीं है, फिर मंगल कैसे हो गई, मंगल की परिभाषा में तो कहा है जो रत्नात्रय से पवित्र हो, अभी कलश रखा है वो तो रत्नात्रय से पवित्र नहीं है, फिर मंगल कैसे हो गया, बोलो बोलो, प्रश्न उठना चाहिए, तुमने एक बार भी नहीं उठाया, ऐरावत को मंगल कह दिया सपने में, 16 सपने, हाथी मंगल कैसे हो गया, उसके अंदर रत्नात्रय है क्या, मछलियों में रत्नात्रय है क्या, पुष्पमाला में रत्नात्रय है क्या, वो मंगल की परिभाषा क्या, जो रत्नात्रय से पवित्र हो,
नहीं आ रहा समझ में? प्रश्न उठा उठाया क्यों नहीं तुमने? ना तुम्हें प्रश्न आते ना उत्तर आते, बस ताली बजाओ सिर हिलाओ। बोले क्या? बोले पूजा चल रही है। क्यों? क्या वजह क्या है अपमानित नहीं करने की? उनके अंदर तो रत्नत्रय है ही नहीं, वो तो अजीव है। ध्वज तो जीव है कि अजीव है? अजीव है, उसके अंदर कौन सा रत्नत्रय है? फिर भी वो मंगल है। कलश के अंदर कौन सा रत्नत्रय है? कलश को लात नहीं मारने का कारण क्या है ये बताओ पहले। लोटा को लात मार सकते कि नहीं? लोटा फेंक के ही मार देते हो, लात मारना तो छोड़ो। दिया नहीं सुना तो एक लोटा फेंक के, कलश फेंक के मार सकते हो? हाँ बोलो बोलो बोलो, जो भी आ रहा बोलो। बहुत अच्छा, अब बैठ जाओ ना। आप क्या समझ में आ रहा? देखो, लौकिक मंगल और लोकोत्तर मंगल, जो जब लौकिक मंगल लोकोत्तर मंगल के पास जाता है तो वो भी मंगल हो जाता है। दूर घर में रख लो ये कलश तो नहीं, जब तक वो मंदिर में नहीं आएगा, है ना? किससे संबंध होना चाहिए उसका? पंच परमेष्टियों से, है ना? नहीं आ रहा? मैं किसकी शरण में जाता हूं, लोकोत्तर की या लौकिक की? लोकोत्तर। लोकोत्तर यानी पंच परम पद भज सुख लीजे, यह विधि मंगल आरती कीजे। समझ में आ रहा? ये आरती मंगल कब होगी? वही आरती घर में जलाओ तो वो दिया होता है, वही जब भगवान के निकट जाती है तो मंगल हो जाया करती है। किसकी वजह से मंगल हुई? वो भाव मंगल, स्थापना मंगल, इनकी वजह से पदार्थ मंगल हुए। और यदि ये जिनेन्द्र नहीं होंगे, एक बात बताओ, मंदिर मंगल है या नहीं है? किसकी वजह से? मूर्ति की वजह। मूर्ति हटा लो फिर क्या होगा? जिनालय, जिनालय नहीं रहेगा, वो नव देवता में नहीं आएगा। एक मूर्ति की वजह से मंदिर मंगल है। समझ में आ रहा नहीं आ रहा? किसकी वजह से? यदि मंदिर से मूर्ति हटा दी जाए तो मंदिर नव देवता नहीं रहेगा। मंदिर देवता तभी तक है जब तक उसके अंदर कौन है? भगवान। और यदि भगवान नहीं रहेंगे, जिस दिन भगवान हट गए वहां का मंदिर भी एक इमारत बन जाएगा, जिस दिन भगवान हट गए घंटे अंटे सब बेकार की चीज हो जाएंगे। एक मूर्ति की वजह से तोरण मंगल है, एक मूर्ति की वजह से मंदिर मंगल है, एक मूर्ति की वजह से जितना भी सामान है वो सब मंगल है। किसकी वजह से? एक जिन प्रतिमा की वजह से। स्थानक में प्रतिमा नहीं होती तो वहां मंदिर अंदर भी नहीं होता। मंदिर अंदर किसके लिए होते? किसके लिए होते? जिनेन्द्र भगवान। तो किसकी वजह से मंदिर का हर सामान मंगल है? किसकी वजह से? जिनेन्द्र भगवान की वजह से। उनको हटा दिया तो ना नाम मंगल होगा, ना द्रव्य मंगल होगा, ना इसका कुछ मंगल नहीं होगा, सब अमंगल ही अमंगल है। नहीं आ रहा? इस हाल में तुम किसकी वजह से बैठे हो? कल से बैठोगे क्यों? किसकी वजह से यहां ये सब चल रहा है? भागवाग के किसकी वजह से आ रहे? लोकोत्तर मंगल, है ना? और कल हम जब यहां से आज चले जाएंगे, कल यहां क्या होगा बोलो? अभी ये प्रवचन स्थल है, कल ये विवाह स्थल हो जाएगा। किसकी वजह से ये प्रवचन स्थल?
महाराज की वजह से। तो मंदिर के जितने भी पदार्थ हैं वो मंगल होते हैं। सरसों कभी मंगल नहीं होती, कलश कभी मंगल नहीं होता है, ध्यान रखना। दर्पण कभी मंगल नहीं होता है, तोरण कभी मंगल नहीं होते, झारी कभी मंगल नहीं होते। ये मंगल तब होंगे जब जिनेंद्र से जुड़ेंगे। समझ में आ रही नहीं आ रही बात? किससे जुड़ेंगे तब मंगल होंगे। नहीं तो ये पिच्छी मंगल कब है? जब महाराज हाथ में लेंगे, वरना मोर पंख तो खूब बिकते हैं बाजार में, वो मंगल है क्या? मंगलता इनमें किसकी वजह से आएगी? जिन्होंने रत्नात्रय धारण किया है या जिन्होंने रत्नात्रय का फल पा लिया, उनसे जो जो पदार्थ जुड़ेगा वो सब मंगल हो जाएगा। क्लियर हो रही? देखो सरल सा उदाहरण, जल्दी समझ में आएगा। पानी यदि दूध से जुड़ जाए तो उसकी कीमत बढ़ती है कि नहीं? किसकी वजह से? दूध के भाव बिकता है फिर पानी। समझ में आ रहा? वो दूध फिर पानी अलग नहीं, वो पानी भी क्या बोला जाता है? दूध ही बोला जाए। ये क्या है? दूध है। समझ में आ रहा? क्या मिला है लेकिन उसको पानी कहोगे क्या? ये क्या है? सफेद पानी की चाय बनाना, क्या बोलोगे? दूध की चाय बनाओ। समझ में आ रहा? क्लियर हो रहा कि नहीं हो रहा है? तो यदि ये पदार्थ भगवान जिनेंद्र से मिल गए, फिर ये पदार्थ नहीं रह जाते, फिर ये मंगल हो जाया करते हैं। नहीं आ रहा? सोने की अभी दे रहे थे ना, वो चांदी की माला आला है ना, चांदी की माला या सोने की माला। माला सोना कीमती है ना? नहीं है? एक माला 1-2 लाख की तो बनेगी, कितने की बनती है? 2 लाख। अरे 10-20 तोला की तो होगी, 10-20 ग्राम की तो होगी, 100 ग्राम, 50 ग्राम की। 50 ग्राम की माला कितने की? 2.5 लाख रुपए की है ना। अब एक जो धागा है उसकी कीमत कितनी है? है उसके अंदर जो धागा डला है, धागा अलग कर दो तो उसकी कीमत क्या है? 0। और मोतियों में डाल दो तो उसकी कीमत क्या हो गई? 2.5 लाख रुपए हो गई। ध्यान रखना, धागे ने मोती सोने की संगति की तो तोले के भाव बिका, और सोने की संगति छोड़ देगा उसकी कोई वैल्यू नहीं रहेगी। तो जो धागा सोने के मोती के अंदर जाता है वो भी कीमती हो जाता है, जो जिनेंद्र भगवान से जुड़ जाता है वो मंगल हो जाता है। नहीं आ रहा समझ में? अब आ गया होगा कि नहीं बोलो, आ गया कि नहीं आ गया? महाराज के ज्यादा इर्द गिर्द रहोगे ना, आगे पीछे हर चीज में, लोग तुम्हें भी जय जिनेंद्र करेंगे। हमारे भक्त बाहर से आते, अरे भोजन की व्यवस्था करो, ये कहाँ रुकेंगे? क्यों? किससे जुड़े हैं? और मैं कह दूं, मैं इनको नहीं जानता, अब देना कमरा, अब देना उनको भोजन। ये आ जाए कि महाराज वो कोई आए, हम नहीं जानते कौन है, क्या मालूम? वो कहेगा मेरे को रूम दे दो चंद्र सागर, बोले काय को, कौन है तू? इतना बोल दे मैं महाराज का भक्त हूं, तो लोग घर पे भी खाना खिलाने ले जाएंगे। ले जाएंगे या नहीं ले जाएंगे? ये द्रव्य मंगल है। समझ में आ रहा? भगवान से संबंध किसका? जितने अचेतन और चेतन द्रव्य हैं, ये यदि भगवान से संपर्क बना लेते हैं, इनके अंदर भी भगवान जैसी मंगलता आ जाती है। क्लियर हुआ? पानी कीमती है या गंधोदक? एक लोटा में, एक कलश में तुमको जल दें कि इसको लगा लो तो लगाओगे? है क्यों? जब तक वो किससे संबंध नहीं बनाएगा, सिर से लेकर पैर तक जो भगवान का स्पर्श करता है, फिर पानी पानी नहीं, मंगल गंधोदक बन जाया करता। समझ में आया? दो लाते ना, दो कलश लाते ना, एक में जल होता है, एक में गंधोदक होता है। जल वाले को क्या करते? यूं लिया, और गंधोदक वाले को यूं। क्यों? उसने भगवान से संपर्क नहीं बनाया इसलिए फिकरा है, और इसने भगवान से संपर्क बनाया इसलिए सिर पे चढ़ रहा है।
समझ में आ रहा, ये द्रव्य मंगल है, गंधोदक मंगल है, आरती मंगल है, है? आरती कैसी होना चाहिए, कैसी आरती किसे कहते हैं बताओ, आरती रोज करते ना, दीपक होता है ना उसको जला दिया, हो गई आरती, क्या करोगे? है जय हो तुम्हारी, इतना गहरा चिंतन है कि दीपक में घी डालो, अरे घी नहीं है तो दीपक कहां से हो गया, वो तो दिया हो जाएगा, घी बाती है तो दिया ही है ना, वो दीपक हो गया ना, दीपक आरती किसे कहते, मैं आरती पूछ रहा हूं, एक निरंजनी निरंजना होता ना, जिस पात्र उस पे बाती कपूर की और घी और दीप, अभी आरती नहीं हुई, ऐसे भी नहीं होगी, कैसे होगी आरती, रोज कर रहे हो लेकिन मालूम नहीं, दग्धा जलाक्षत मनोहर पुष्प दीपे पर्त्यापितं प्रतिदिनं महतादरेण त्रैलोके मंगल सुखाले मारार्तिकं तव विभोरवता, त्रैलोक मंगल, क्या बोलते हो, कौन सा मंगल है आरती, त्रैलोक मंगल सुखाले, ये सुख को देने वाली है, कामोदाह, ऐसे नहीं उठाई घुमा दी, बोले हो गई आरती, क्या क्या, दग्धा जलाक्षत मनु दही, आरती की थाली में दही होना चाहिए, दग्धा जलाक्षत, बोलो बोलो बोलो, बोलते हो कि नहीं, उज्ज्वल अक्षत, समझ में आ रहा, इसलिए तो मंगल नहीं कर रही तुम्हारा, अधूरी है वो, बिना श्रृंगार की दुल्हन, श्रृंगार ही नहीं किया और दुल्हन बन गई, आरती पूरी कब होगी, जब उसमें क्या होगा, थाली में निरंजन आरती, उसमें क्या होगा, दग्ध जलाक्षत जल होगा, अक्षत होगा, दही होगा, है ना, पुष्प मनोहर, मनोहर पुष्प भी होना चाहिए, है ना, पुष्प दीपे, दीपे यानी घृत का दीपक, निरंजन यानी खाली बिना घी की, महाराष्ट्र में बोलते निरंजनी, है ना, जो जो वो आती ना ऐसी बनी हुई, वो निरंजनी, उसमें घी और बाती लगाई तो दीपक बन गया, है ना, क्या बोलो, रोज बोलते ना अभिषेक में, दग्ध जलाक्षत मनोहर, मनोहर पुष्प, घटिया नहीं, घटिया क्वालिटी के नहीं, है ना, कि उठा लाए उनमें दुर्गंध बदबू, न सुगंध है ना बदबू दुर्गंध, कोई नहीं बैठने को तैयार उसमें, सूंघो तो कड़वा सा महकता है, नहीं, हृदय को हला दे, मनोहर पुष्प दीपे, दीपे में क्या, घृत का दीपक, फिर पार्त्या प्रीतम, अरे कहां ले आए, तीसरी वाली तो भूल ही गए, दग्धा जलाक्षत मनोहर पुष्प दीपे पार्त्या प्रीतम त्रैलोक मंगल सुखालय, अब हुई वो मंगल आरती, कहते ना मैति मंगल आरती अवतरणम करोमि स्वाहा, मंगल आरती तो बनाई नहीं, जलाई और घुमा दी, उसमें दही नहीं है, उसमें अक्षत नहीं है, उसमें दूर्वा नहीं है, उसमें पीली सरसों नहीं है, कैसे मंगल हो गई है, तुम तो शाम को अभिषेक भी करते हो, रात में भी कर लेते, तो आरती में क्या दिक्कत आ रही है, उसमें भी वैसे ही होना चाहिए, देखो उसमें क्या दिक्कत है, अब कंजूसी है कि दही कहां से लाएं,
देखो एक बात बता, जब बेटा परदेश जाता है, परीक्षा देने जाता है, सबसे पहले उसके मुंह में दही मंगल है। और कुछ मूर्ख कहते दही से अभिषेक नहीं करना, मंगल है वो, लिखा तो है दही, नहीं लिखा है मंगल है। शुभ काम के लिए क्या देते मुंह में? दही देते। बेटा जा रहा है विदेश, जा रहा है कमाने जा रहा है, माँ क्या करती है? एक चम्मच दही उसके मुंह में। अब तुम्हारे यहाँ क्या रखते वो हमें नहीं मालूम, दही रखते हैं ना, मंगल है, समझ में आया? कौन बोला जहर रख देते हैं? माँ की बात कर रहे, पत्नी की नहीं कर रहे मम्मी की बात कर रहे, समझ में आया? ये होना चाहिए, दूरवा भी होना चाहिए, दूरवा हरी वाली, तब वह त्रैलोक मंगल। ये तीन लोक में मंगल है, क्या देने वाली? सुखालय कामदाह मारार्तिकम तव विभोर बतारे आमी। मैंने कहा था तुम्हारी पूजाएं भी सब उल्टी सीधी हैं, जो लिखा है वो भी नहीं कर रहे, फिर कहते मंगल नहीं होता। बोल, गलत बोल रहे क्या या तुम सही कर रहे हो, ये बोल दो। तुमको आरती की परिभाषा ही नहीं मालूम? ये श्लोक जो है आरती की परिभाषा है कि आरती क्या होती है वो बता रहे हैं। परिभाषा है ना आरती की, तो जो बोला जा रहा है वो थाली में है क्या? तो द्रव्य मंगल तो है ही नहीं, अकेला दिया है घुमा रहे हैं। ये सब होना चाहिए, समझ में आ रहा है? अब भगवान के सामने श्रीफल लेके क्यों जाते हैं, आरती लेके क्यों जाते हैं? ध्यान रखना, जब लौकिक मंगल को लोकोत्तर के सामने ले जाते हैं तो हमारे सामने दो मंगल हो जाते हैं। कितने मंगल हो जाते हैं? फिर मंगलाडम च सवेसिम परमम हवई, अब पापों का नाश होगा। एक आदमी ने कहा कि ये सामग्री अमग्री से कैसे पाप का नाश हो जाएगा, ये तो अजीव है, ये तो जड़ है, ये तो चेतन नहीं है, ये आरती मारती कैसे हमारे पापों का नाश कर देगा, अचेतन भी कोई नाश करता है क्या? इनका करता है। धवला जी में आचार्य लिखते हैं कि अचेतन मूर्तियां जीव का कल्याण कैसे करेंगी, ये अचेतन द्रव्य जीव का कल्याण कैसे करेगा? तो धवला जी में आचार्य ने कहा है, बीमार चेतन होता है, दवाई अचेतन होती है, वो ठीक कर दिया करती है। दवाई कैसी होती है? टेबलेट कैसी होती है? लेकिन किसका बुखार उतारती है? चेतन का। फिर क्यों कहते एक द्रव्य दूसरे द्रव्य का कुछ नहीं करता? उल्टा सीधा पढ़ा रहे ना, भूख लगती है तो चेतन को भूख लगती है ना, नहीं आया क्या चेतन ना? तो चेतन को भूख लगती है ना, तो पुद्गल डालते हो मुंह में, नहीं तो वो क्या करता है? तुम्हारी भूख को शांत कर देता है। जब एक अचेतन पदार्थ तुम्हारी भूख शांत करता है, एक अचेतन पदार्थ तुम्हारे रोगों को नाश कर देता है, तो मेरे जिनेंद्र की अचेतन प्रतिमा जन्म जन्म के रोगों को दूर कर देती। कांटा अचेतन होता है कि चेतन? किसको रुलाता है? तुम कहते द्रव, एक द्रव दूसरे द्रव का कुछ नहीं करता, ये कर तो रहा है, नहीं कर रहा क्या? भोजन करने के पहले के परिणाम और भोजन करने के बाद के परिणामों में अंतर होता है या नहीं होता है? ये अंतर पुद्गल से आ रहा है कि चेतन से आ रहा है? पुद्गल से आ रहा ना। तो जी लौकिक मंगल जो हैं, जितने भी अचेतन मंगल हैं, ये चेतन को पुण्य दिया करते हैं। किसको पुण्य देते हैं? भगवान की प्रतिमा किसको पुण्य देती है? हम चेतनों का कल्याण करती है। समझ में आ रही नहीं आ रही? अब भटकोगे तो नहीं। पूर्ण कलश, खाली कलश नहीं, पूर्ण कलश मंगल बोला है। एक बात मान लो, तुम्हारे घर में ईशान दिशा होगी, आप महंगे महंगे कलश नहीं ले सकते, कोई बात नहीं, लेकिन प्रतिदिन का नियम बना लो
कि ईशान दिशा में हम एक पूर्ण कलश रखेंगे। पूर्ण कलश कैसा? काय से भरा? गंगा सिंधु रोहि रोहितासा हरित हरित कांता सीता सीतोदा नारी नर कांता स्वर्ण रूप कुला रक्ता रक्तोदा चिराम्बो निधि, है ना। जल से भरा कलश आप अपने ईशान कोण में प्रतिदिन रखो, प्रासुक जल से भरा हुआ, उस पे श्री फल और पान रखे हुए आपके घर में मंगल होगा। ऐसा मैं नहीं कह रहा हूं, धवला में आचार्य वीरसेन स्वामी कह रहे। लेकिन आजकल तो तुम वो ले लेते हो कलश, उपाड़ी उपाड़ी, वो भी कलश है, लेकिन पूरित कलश तो जल का ही माना गया। महाराज आए कलश लेके चल रहे, खाली है, वो भड़बड़ा रहा है अंदर, जल कहां भरा उसमें? खाली खड़खड़ 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 तो तिजोरी देगा भगवान, लेकिन खड़खड़ खड़खड़ होती रहेगी, उसके अंदर माल थोड़ी होगा। समझ में आ रहा? पूर्ण कलश अभिषेक करते ना, पूर्ण कलशाभिषेकम करोमि, आधे अधूरे नहीं, पूर्ण कलश। कलश मंगल है, प्रासुक जल से भरा होना चाहिए। पूर्ण कलश किसका प्रतीक है? ये सब प्रतीक हैं, जितने भी द्रव्य मंगल हैं, लौकिक मंगल सब प्रतीक हैं, है ना। दर्पण पंच कल्याणों को में देखो, दर्पण रखते हैं ध्वजारोहण में, मंडल पे चारों तरफ, ये दर्पण क्यों रखते हैं? मंगल है। क्यों मंगल है? यद विद्या दर्पणायते, हे भगवान आपका ज्ञान दर्पण के समान है, इस दर्पण में मैं आपकी कल्पना कर रहा हूं। किसकी कर रहा हूं? दर्पण। यद विद्या दर्पणायते, दर्पण मंगल है, भगवान का ज्ञान दर्पण के समान है, वो देखते नहीं है उनमें दिखता है। दर्पण देखता थोड़ी है, दिखता है उसमें। ऐसी भगवान के ज्ञान में, केवल ज्ञान में तीनों लोक झलकता है, आपके ज्ञान का प्रतीक है। और कलश काय का प्रतीक है? अनंत सुख। भगवान को कितना सुख मिला है? अनंत। कैसा मिला है? लबालब भरा हुआ। भगवान का ज्ञान कैसा है? भरा हुआ, पूरित। अपने जैसा आधा अधूरा ज्ञान नहीं है, भरा हुआ ज्ञान। उस ज्ञान का प्रतीक कोई है तो मंगल कलश हुआ करता है। सबके प्रतीक हैं। सिद्धार्थ, सिद्धार्थ किसे कहते हैं? पीली सरसों को धवला जी में सिद्धार्थ कहा है। सिद्धार्थ का क्या अर्थ होता है? जिसके सभी मनोरथ सिद्ध हो गए हो। तो सरसों से क्या होता है? सभी की मनोवांछित इच्छाएं पूर्ण हो। अब जाते हैं घरों में, महाराज सरसों डाल दो, अरे समझो तो वो है क्या है? समझ में आ रहा? सरसों को मंगल बोला, कन्या को मंगल बोला है। कौन? ये कन्याएं नहीं, जिस कन्या के हाथ में मंगल कलश होता है, कलश की वजह से वो कन्या मंगल होती। बिना कलश की कन्या नहीं। तुम काहे की मंगल? पांच पाप में लीन। तुम्हारे हाथ में क्या रखा है? मंगल कलश। समझ में आ रहा है? द्रव्य मंगल समझ में आ रहे कि नहीं आ रहे? दिमाग में फिट हो रहा है या नहीं? तुझे पूजन की जो सामग्री लेके जाते हो मंदिर, ये लौकिक मंगल है। ये लौकिक मंगल कब होती है? जब भगवान से इसका संपर्क हो जाता है। एक बात याद रखना, भगवान को छोड़ के कोई भी मंगल नहीं होता। केशर भगवान के चरणों में लगा, ललाट पे लगाओ, है ना, कटोरी में रखा नहीं, है ना। आचार्य ज्ञान सागर महाराज, आचार्य श्री विद्यासागर जी महाराज के गुरुदेव, उन्होंने एक काव्य लिखा है, ग्रंथ जयोदय महाकाव्य है, उसमें पवन कुमार पवनंजय का वर्णन है। और उसमें उनके गुरु ने लिखा है कि पवन कुमार पवनंजय जो थे, नहीं जय कुमार सॉरी जय कुमार जो थे, वो क्या करते थे? भगवान के चरणों की केसर अपने मस्तक पर रोज लगाते थे। समझ में आ? मेरे पास प्रमाण है, मैं दिखाऊंगा, ज्ञान सागर महाराज का लिखा हुआ। फिर कैसे कहते हो महाराज केसर का मना करते? मेरे पास सारे प्रमाण है, इतने सारे हैं।
प्रमाण नहीं रखूंगा तो बोलूंगा कैसे? सब चीज का प्रमाण, केसर लगाते हैं मस्तक पे, ललाट पे। वो केसर मंगल क्यों हो गई? जो तुमने घिस के पुजारी ने कटोरी में रख दी वो मंगल नहीं है जब तक भगवान को नहीं छुएगी। समझ में आ रहा? किसको नहीं छुएगी तब मंगल होगी। जब तक भगवान को जल नहीं छुएगा तब तक वो जल गंधोदक नहीं बन सकता है। समझ में आ रहा कि नहीं आ रहा है? तो द्रव्य मंगल किसके आश्रित है? जिनेन्द्र भगवान के आश्रित है। पिछी कमंडल मंगल किसकी वजह से? मुनि महाराज की। ये हो गए द्रव्य मंगल। कितने मंगल समझ लिए? नाम, स्थापना, द्रव्य, अब कौन सा बचा? क्षेत्र। अब मेरे तीर्थंकर जहां उनसे जो भी जुड़ेगा वो मंगल हो जाएगा, इतना मान के चलना, है ना? शासन देवियां मंगल है कि नहीं है? है? किनसे जुड़ी है वो? है? भगवान से जुड़ी है ना? कि नहीं जुड़ी? और ये देवियां भी ध्यान रखना, हर तीर्थंकर की अलग अलग है, 24 की, वो उनके शासन की है, वो दूसरे के पास नहीं जाती है। पद्मावती किसकी देवी है? वो महावीर स्वामी की उसमें नहीं है, वो ऋषभ देव की उसमें नहीं है, वो उन्हीं की है, फिक्स है। इंद्र तो सबके पास जाता, ये किसी के पास नहीं जाते हैं। इनका जो देव है वंदना सबकी करते हैं, लेकिन इनके देव कौन है? हैं? जो देवी है उसके वो देव है। समझ में आ रहा नहीं आ रहा? उनकी शासन का मतलब क्या होता है? महावीर से लेकर पारसनाथ से लेकर ऋषभ देव के बीच जो 250 साल का अंतर है, माता जी 250 सवा 100, कितने साल का अंतर? 250 साल का। 250 साल बाद महावीर स्वामी आ गए, है ना? तो जब तक महावीर नहीं आए तब तक पद्मावती माता शासन देवी है। किसकी शासन की देवी है? पारसनाथ भगवान के। वो महावीर के शासन की नहीं है। महावीर आएंगे, उनको केवल ज्ञान होगा, उनकी जो देवी होगी वो आज भी है, आज उनकी देवी का शासन है। उस शासन में क्यों होती है शासन देवियां? इनकी स्थापना कौन करता है? सौधर्म इंद्र करता है। सौधर्म इंद्र, जब भगवान को मोक्ष कल्याणक हो जाता है ना, मोक्ष गए, अब इंद्र कहता है कि भगवान अब तो मैं आऊंगा नहीं, क्योंकि आप गए तो, जैसे कल से यहां यही होगा ना, महाराज गए तो हम भी गए, हमको क्या लेना देना। समझ में आ रहा? तो भगवान अब मैं तो आऊंगा नहीं, फिर आपकी पूजा कौन करेगा, है ना? तो वो भवनवासी देवियों को, व्यंतरणी नहीं है पद्मावती, भवनवासी। देखो पंच कल्याणक में सबसे ज्यादा रोल भवनवासियों का है। अष्टकुमारी भवनवासी, 56 कुमारी भवनवासी, जितने भी देवी देवियां हैं सब भवनवासी हैं। 60 कुमारिकाएं भवनवासी। उन भवनवासी देवियों को सौधर्म इंद्र आदेश करता है, इस शासन की रक्षा करना आज से तुम्हारा काम है। समझ में आ रहा? ड्यूटी है, उनको सौंपी है। किसने सौंपी है? सौधर्म इंद्र ने, कि हे देवी, हे देव, आज से तुम इस शासन के भगवान हो, इस शासन के देवता हो। जब तक पारसनाथ का शासन चले, जिनायतनों की और उनके भक्तों की रक्षा करना तुम्हारा काम है। समझ में आ रहा? ये व्यवस्था सौधर्म इन्हें दी है। जरा प्रतिष्ठा ग्रंथ भी तो पढ़ा करो, ये ऐसे ही नहीं बन गई है, ये ड्यूटी निभा रही है अपनी। समझ में आ रहा? सम्यक दृष्टि है, ये दूसरों के पास नहीं जाती है, कुदेवों के पास नहीं जाती हैं, सब सम्यक दृष्टि। क्लियर हुआ? नहीं हो रहा? तो ये जहां भगवान से जिसका संबंध बन गया, मालूम है क्या लिखा है, कितना बढ़िया वर्णन। जब भगवान का विहार होता है ना, तो सौधर्म इंद्राणी कलश लेके विहार में आगे चलती है, लक्ष्मी देवी कलश लेके विहार में आगे आगे चल, जैसे महाराजों के जलूस में चलते हो ना, ऐसी वो चलती हैं भगवान के श्री विहार में।
श्री विहार बोला उनका आकाश गमन होता है, मनुष्य तो नीचे ही रह जाता है। भगवान का समोसरण दूसरी जगह लगा, भगवान उठ के चले, मनुष्य जो त्रियंश है वो नीचे ही रह जाते हैं, देवी देवता साथ चले जाते हैं। भगवान को देवी देवता एक पल भी नहीं छोड़ते जब तक मोक्ष नहीं हो, साथ ही साथ रहते हैं। गर्भ से लेकर, गर्भ के 6 महीने से लेकर मोक्ष तक भगवान का साथ नहीं छोड़ते वो। कोई भी देवी, असंख्यात देवी देवता जुलूस के रूप में आगे आगे चलते, सर्वाण्य अक्ष धर्म चक्र लेकर आगे चलता है। समझ में आ रहा नहीं आ रहा? सारे इंद्र कोई गंधोदक वृष्टि कर रहे, कोई पुष्प वृष्टि कर रहे, जहां से निकल जाए गांव के लोग देखते, वो जा रहे भगवान, वो जा रहे भगवान, और पूरा गांव फूल से पट जाता है। क्यों? यहां से भगवान का विहार हुआ है। महिमा पढ़ो जरा तीर्थंकरों की, करोड़ों वाद्य बजते हैं, क्या हो रहा? गांव के लोग बाहर निकल के देखते, भगवान का विहार हो रहा है। अब बिचारे वो चल तो सकते नहीं है, ये तो आकाश में देवी देवता चल लेते हैं, मंगल कलश लेके सौधर मिंदाणी चल। मालूम है इतना बढ़िया वर्णन वीर वर्धमान चरित्र में लिखा है कि माता की सेवा को अष्टकुमारी का नियुक्त करके जाता है सौधर मिंद, 9 महीने तक इनका ख्याल रखना है ना, इनके चरण दबाना, इनकी सेवा करना, इनकी भक्ति करना, इनके मनोरंजन करना, इनसे धार्मिक प्रश्न पूछना, इनसे चर्चाएं करना, इनकी नजर उतारना। नजर उतारना आगम में लिखा है, दृष्टि दोष दूर करना। माता इतनी सुंदर हो जाती है कि पल पल में नजर लगती है, एक देवी तो नजर ही उतारती रहती है। समझ में आ रहा? तो सौधर्मिन रानी क्या करती है, अदृश्य रूप में आती है, और जब माता सो जाती है तो पैर दबा के चली जाती है, किसी को पता ही नहीं चलता। कितनी भक्ति है इंद्राणी की। तब एक भवतारी होती, माता सेनागार में गई, नींद आ गई, तो फिर आती है सौधर्म इंद्राणी, छिप छिप के आती है, किसी को पता नहीं चले, क्योंकि ये सेवा करना तो इनका काम है, देवियों का। लेकिन सौधर्म इंद्राणी का मन नहीं मानता है, स्वर्ग से आती है, माता के पैर दबाती है, और पुण्य कमा के प्रणाम करके चुपचाप स्वर्ग वापिस। कब तक? 15 महीने। सोचो कैसा होगा सौधर्म इंद्राणी का पुण्य, कि छिप छिप के, खुल के नहीं आ सकती वो। कई लोग हैं ना तुम्हारे, औरंग महाराज हम दान तो देंगे, खुल के नहीं देंगे, नाम मत लेना, चुपचाप। ऐसे भी भक्त होते हैं। तो सौधर्म इंद्राणी छिप छिप के आती है माता की सेवा करने के लिए। ये सब चीजें समझो, माता मंगल हो गई किसकी वजह से हुई है? तीर्थंकर की। पिता मंगल हो गए किसकी वजह से हो गए? और जहां जन्म लिए वो अयोध्या मंगल हो गई किसकी वजह से? इसको बोलते हैं क्षेत्र मंगल। समझ में आया? जहां भगवान का जन्म हुआ वो नगरी मंगल हो गई, जहां भगवान ने आहार किए वो महल मंगल हो गया, जहां महाराज ने भगवान के समोसरण लगे वो स्थली मंगल हो गई। जहां जहां भगवान चले जाए, जिस क्षेत्र में बैठ जाए वो क्षेत्र मंगल हो जाता है, जिस वन में दीक्षा लेते हैं वो वन मंगल हो जाता है, जिस शिला पे बैठते हैं वो शिला मंगल हो जाया करती है। इसको कहते हैं क्षेत्र मंगल। इसलिए क्या बोलते हैं अपन, सम्मेद गड़गी नार चंपा पावापुरी कैलासिको पूजो सदा निर्वाण भूमि। भूमि 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 यानी क्षेत्र, वह क्षेत्र भी मंगल हो गया है ना। किसकी वजह से हो गया? भगवान की, पंच परमेष्टि की वजह से ये सिंहासन मंगल हो गया। समाज का कोई भी व्यक्ति इस पे बैठने का साहस नहीं कर सकता है। क्यों? ये किसका सिंहासन है? लोकोत्तर मंगल का। समझ में? बैठोगे इसमें? तुम्हारे घर में भिजवा दूं? घर में भी दे दूंगा तो भी तुम आरती करोगे उसकी, बैठोगे नहीं उस पे? बैठ जाओगे क्या? नहीं बैठ सकते। मंगल है, मंगल द्रव्य, क्षेत्र मंगल। जहां भगवान का जन्म हो वो क्षेत्र मंगल, जहां भगवान की दीक्षा हो वो क्षेत्र मंगल, जहां भगवान का आहार हो वो क्षेत्र मंगल, जहां केवल ज्ञान हो वह क्षेत्र मंगल, जहां भगवान का समोसरण लगे वो क्षेत्र मंगल, जहां भगवान निर्वाण को प्राप्त कर ले वो क्षेत्र मंगल होता है।
इसलिए अपन क्या बोलते हैं, तीर्थ क्षेत्र। क्षेत्र का मतलब क्या होता है, क्षेत्र मंगल, नाम स्थापना द्रव्य और क्षेत्र भी मंगल हो गया। किसकी वजह से, बस अब अंतिम बचा है, खत्म आज, काल मंगल है ना, क्या बचा, काल मंगल। काल याने जिस दिन भगवान का जन्म हुआ वो घड़ी मंगल हो गए। धन घणी यो धन दिवस यो ही धन जन्म मेरो भयो। हे भगवान, जिस घड़ी में आपने जन्म लिया वो घड़ी शुभ हो गई। ध्यान रखना, तीर्थंकर का जिस समय जिस घड़ी में जिस काल में जो भी काम होता है वो हमारे लिए मुहूर्त बन जाता है। मुहूर्त क्या होते हैं, कहते ना शुभ मुहूर्त देखो, बोले हाँ इसमें कर लो, बोले क्यों, बोले आदिनाथ भगवान का जन्म कल्याणक है, शुभ मुहूर्त। आपके जन्म की तिथि हमारे लिए शुभ हो जाती है, आपके जन्म का वार हमारे लिए शुभ हो जाता है, आपके जन्म की घड़ी हमारे लिए शुभ हो जाती है। हे भगवान, जिस क्षण आपने जन्म लिया वह जन्म जयंती हो जाती है, हम मरते दम तक महावीर जयंती मनाते हैं। ये कौन सा मंगल हो गया, काल मंगल। पर्युषण पर्व काल मंगल, अष्टानिका पर्व काल मंगल, अष्टमी चौदस, लोग कहते हैं अष्टमी चौदस क्यों करते हैं, काल मंगल। ये समय मंगल है, पर्व है, समझ में आ रहा नहीं हो रहा विषय क्लियर। पर्व किसे कहते हैं, इतना सा और समझ लो, छुट्टी करते हैं। पर्व क्या होता है, पर्व कैसे मनाना वो अलग चीज, पर्व है क्या, पर्व का अर्थ होता है जोड़। उंगली में कितने पर्व हैं, एक दो, ज्वाइंट को पर्व बोलते हैं, है ना, नहीं आ रहा। दो पक्षों के जोड़ को कृष्ण पक्ष और क्या आ गई, चतुर्दशी, पर्व हो गई, जोड़ रही ना, सुबह और दोपहर के जोड़ को पर्व कहते हैं, जहां से ज्वाइंट होते हैं, काल के जोड़ को पर्व कहते हैं, दिन और रात के जोड़ को 24 घंटे है ना, दो सप्ताह के जोड़ को एक पक्ष, दो पक्ष के जोड़ को एक मास होता है। इसलिए क्या कहा है कि ये पर्व इसलिए बनाए कि जोड़ वाले पर्व हैं, तो जैसे भगवान की प्रतिष्ठा आप क्या हो गई, पंचकल्याणक, तो मालूम है इसका पंचकल्याणक कब पूरा होता है, अकेली मोक्ष कल्याणक किया, मूर्ति रख दी तो पंचकल्याणक पूरा नहीं हुआ, उसके उत्सव मनाना पड़ेंगे आपको, है ना। कब तक मनाना पड़ेंगे, 12 वर्ष तक, तब वो प्रतिष्ठा होगी, नहीं मालूम। भगवान श्रवण मेलगोला में कितने वर्ष में अभिषेक होता है, 12 वर्ष तक मनाना पड़ेगा, एक युग तब मूर्ति में अतिशय आता है। वैसे आज पंचकल्याणक हुआ तो पाक्षिक महोत्सव, मासिक महोत्सव, त्रिमासिक महोत्सव, छमासिक महोत्सव, वार्षिक महोत्सव, पंचवार्षिक महोत्सव, फिर 12 वर्षीय महोत्सव, नहीं आ रहा। तो पाक्षिक महोत्सव क्या है, अष्टमी चौदस को उत्साह के साथ भगवान का अभिषेक करो, ये पाक्षिक महोत्सव हो गया। पर हर महीने के पक्ष में चतुर्दशी आती है ना, 14 का बहुत महत्व है, क्योंकि वह पाक्षिक महोत्सव है, रोज जो अभिषेक करते हो उससे ज्यादा भक्ति से 14 वाले दिन करो, उत्सव उससे प्रतिमा में अतिशय पैदा होता है। फिर पाक्षिक के बाद कब करो, मासिक, महीने में एक महोत्सव, बड़ी धूमधाम से अभिषेक होना चाहिए, कब तक, और फिर महीने के बाद 3 मास, त्रिमासिक होता ना, 3 महीने में अभिषेक करो भगवान का महोत्सव के साथ, फिर 6 महीने में भगवान का अभिषेक करो महोत्सव के साथ, फिर साल भर में वार्षिक महोत्सव,
बोलते तो हो ना, हमारे मंदिर का वार्षिक महोत्सव है, समझ गया? वर्षगांठ मत बोलो, वर्धापन तुम्हारे गृहस्थियों के हैं, अपने यहाँ तो महोत्सव होते हैं, है ना? फिर साल भर का हो गया तो अब बड़ा महोत्सव अब कब करोगे? पंचवार्षिक महोत्सव, फिर युग 12 वर्ष का एक युग, अब होती है पंचकल्याणक प्रतिष्ठा पूरी। कुंतनाथ मंदिर के कितने वर्ष हो गए? 6? सन मत बताओ, साल बताओ, है 16? एक बोलो यार, इतने सारे बोलो क्या समझ में आएगा? 12 वर्ष का महोत्सव मनाया था क्या? 12 वर्ष का महोत्सव हो गया क्या? पता ही नहीं, मनाया ही नहीं, है ना? ये मनाना चाहिए। वार्षिक अलग है, क्या बोले? मास पाक्षिक, मासिक, वार्षिक, पंचवार्षिक। अभी संजय जी बैठे, मांगी तुंगी में कौन सा मनाया गया? पंचवार्षिक हुआ ना, 6 यानी 5 पूरे हो गए, वो पंचवार्षिक महोत्सव है। अब जब उसका 12 वर्ष में होगा तब पंच कल्याणक पूरे होंगे। 12 वर्षों में गोमटेश्वर का होता ना, हर 12 वर्ष में होगा। फिर वार्षिक जब 12 वर्ष का हो जाए उसके बाद पाक्षिक मासिक नहीं होते, फिर सीधा 12 वर्ष में होता। समझ में आ रहा? मालूम ही नहीं है, कोई पूछ ले 12 वर्ष में क्यों करते? ये सब काल मंगल है। कौन से मंगल है? काल मंगल। भाव मंगल तो समझ में आ ही गया, है ना? 6 मंगल समझ में आ गए, 5 दिन में कितने समझाए मैंने, वो समझ में कितने आए? एक भी नहीं आए ना। कितने मंगल होते हैं? नाम, स्थापना, द्रव्य, भाव, सब समझ में आ गए। स्थापना मंगल आ गया, पूजन की सामग्री, पूजा पाठ, आरती, होम, हवन, यज्ञ, जो भी गंधोदक, चंदन, केसर, ये सब द्रव्य मंगल, लौकिक मंगल हैं। जब ये जिनेंद्र भगवान से मिल जाते हैं तो लोकोत्तर मंगल हो जाते हैं, है ना? और फिर उनकी जो तारीखें हैं वह काल मंगल हो जाते हैं, उनका जो स्थान है वह क्षेत्र मंगल हो जाता है। ऐसे 6 मंगलों को जो पूजता है उसके पापों का नाश होता है। समझ में आ रहा? अब होगा सव पाव पणासनो, उत्ते से थोड़ी होता जो अभी तक कर रहे थे, सब पापों का नाश अब होगा। इसलिए कहा अष्टमी चतुर्दशी ब्रह्मचर्य से रहो, चतुर्दशी को भगवान की शांति धारा बड़ी करो, भगवान का महोत्सव बड़ा करो, मुकुट हार पहन करके करो हर 14 को, है ना? ये मंदिरों के लिए आगम से चलाओ ना, बहुत 1000 गुने अतिशय पैदा होते हैं। हमने आगम की व्यवस्थाएं छोड़ दी हैं इसलिए अतिशय खत्म होने लगे हैं। शॉर्टकट, पैसा लॉन्ग चाहिए, रिद्धि सिद्धि पूरी चाहिए, है ना? नहीं चाहिए? और तुम कैसे लोग हो जो भगवान से भगवान की माल मांग लेते हो? गणपति के पास जाते लोग कहते रिद्धि सिद्धि हमें दे दो, है ना? शिव जी के पास गए बोले शक्ति हमें दे दो, तो तुम्हें दे दें तो वो क्या करेंगे बैठ के फिर? तुम्हें दे देंगे तो वो अकेले बैठे रहेंगे क्या? नहीं, अपने तो अकेले, अपने यहाँ तो लफड़ा ही नहीं है, सारा लफड़ा तो वहाँ है ना। विष्णु के पास गए बोले लक्ष्मी हमें दे दो, अरे वो अपनी बीवी तुमको कैसे दे दे? इसलिए जैनों ने कह दिया बीवी का लफड़ा ही खत्म करो, ये भगवान को नहीं ये बीवियों को मांगते। समझ में आया? तो भगवान ने कम पहले ही छोड़ देते, लफड़ी खत्म, लोगों की निगाहें मुझ पे कम, बीवी पे ज्यादा होंगी। अब देखते नहीं उन लोगों के जितने हिंदू भगवान है सबकी निगाहें बीवियों पे, जितने भी भक्त है कोई कहता लक्ष्मी दे दो, ब्रह्मा जी के पास जाते तुम्हारी सरस्वती हमें दे दो, तो ब्रह्मा जी क्या करेंगे फिर? तुम्हें सरस्वती दे देंगे तो अपने यहां ये सब लफड़े रखे ही नहीं। इस तरह से आपने बड़े भाव से
इसको सुना है, कितना सुना कितना याद रहेगा। फिर से कह देता हूँ कि मैं रोज़ रोज़ तो बताऊँगा नहीं और यहाँ रहूँगा नहीं, आप जिन शरणम मीडिया से क्लास जरूर पढ़ें, रोज़ एक बार रिवीजन जरूर करें, नहीं तो भूल जाओगे आप। भूलना नहीं कभी जीवन में, तब हमारे जीवन का देखना अलग अंदाज हो जाएगा, जीने की स्टाइल अलग हो जाएगी, मंदिर जाने की स्टाइल अलग हो जाएगी, मंदिर जाने के भाव अलग हो जाएंगे। आज हमारे भाव मंदिर में क्यों नहीं लगते? क्योंकि हमको ज्ञान नहीं है, ना तिलक का ज्ञान, ना चंदन का ज्ञान, ना पूजा का ज्ञान, बस करे जा रहे करे जा रहे। इसलिए दो तीन दिन तो अच्छा लगता है, उसके बाद बोर होने लगते हैं, है ना, क्योंकि उसकी महिमा को हम जानते। बर्तन सुधारो मंदिर के, कपड़े सुधारो मंदिर के, मंदिर को स्वच्छ रखो। गंदा क्यों रखते हो बोलो? जब गंदे मकान में तुम बैठना नहीं चाहते, भगवान कैसे बैठेगा, है ना। एक सबसे अच्छी व्यवस्था गुरुद्वारे में होती है, उनके वहाँ पानी का लगा रहता, पैर रखे अपने आप धुल जाते हैं, है ना। तुम्हारे यहाँ पैर भी धोते और मंदिर में कीचड़ करके जाते, अपने तो धो लेते वहाँ गंदगी फैला देते, ऐसी व्यवस्था क्यों नहीं करते कि पैर रखा और साफ हो गया। तो जो कितनी गंदी रहती है, मंदिर में चढ़ता हूँ पैर रखने को मन नहीं करता है, इतना गंदा है, क्योंकि वो पहले पैर धो गई है तो उसकी कीचड़ तो वही है ना, अब दूसरा आएगा उसकी, तो उसके पैर तो साफ हो जाते हैं, सीढ़ियाँ गंदी हो जाती हैं, है ना। तो मंदिरों में अपन ऐसा क्यों नहीं सिस्टम बनाते कि पैर रखे वहीं कीचड़ धुली नीचे से बह गई, सीढ़ियाँ अपने आप साफ रहेंगे, है ना। थोड़े आधुनिक भी बनो, है ना, वहाँ यही होता है, वहाँ पैर धोए बिना अंदर नहीं जा सकते। वो जब पैर धोने वाले पे पैर रखोगे तो जूते तो उतार नहीं पड़ेंगे अपने आप, है ना, डायरेक्ट तो रख नहीं दोगे, समझ आ रहा ना। तो थोड़े थोड़े अपन क्या करें, अपने मंदिरों को सुधारने की कोशिश करें, है ना। मंदिर हमारे बहुत अव्यवस्थित हैं, बहुत गंदे हैं, बहुत ज़्यादा गंदगी है, लोगों की भीड़ है लेकिन सफाई नहीं है बिल्कुल। मैं देखता हूँ उधर से जाता हूँ, शुद्धि करके जाता हूँ तो ऐसा लगता है फिर से शुद्धि कर लें, क्या इतना गंदा। देखो कैसा वहाँ एंट्रेंस होता है, बुरा नहीं मानना लेकिन गंदगी तो है ना, आँख से दिख भी रही ना तुमको, उसके उपाय क्यों नहीं सोचते? उपाय सोचो तो सफाई होगी ना। एक तो सीढ़ियों पे कभी ये मार्बल मत लगाओ वाइट वाइट, ये बहुत ज़्यादा गंदे दिखते हैं। टाइल मत लगाओ, बहुत ज़्यादा गंदे दिखते, स्लिप भी होते हैं, गिरते भी हैं, है ना। ऐसे पत्थर लगाओ जिससे कीचड़ दिखाई ना दे। पहली बात तो ये कीचड़ हो ही ना, ऐसा काम करो, है ना, क्लियर हो गया। बहुत स्वच्छ रखो मंदिर, मंदिर को जितना ध्यान रखना, घर पवित्र होता, घर का पता, मालिक का पता चलता है घर से, और भक्तों का पता चलता है मंदिर से। मंदिर जितना पवित्र होगा समाज उतनी संपन्न होगी, मंदिर ही दरिद्र है तो समाज संपन्न कहां से होगी। एक आदमी कितने पैसे वाला, कितना स्टैंडर्ड का है, उससे सड़क चलते आदमी से पता नहीं चलता, जब उसके घर जाते हैं तो लगता है यार कितना अच्छा, क्या बढ़िया महल जैसा घर बना रखा, कितना स्वच्छ है, उससे आदमी की कीमत पता चलती है, और मंदिरों से समाज की कीमत पता चलती है। समाज का मन कितना पवित्र है ये मंदिर की पवित्रता से पता चलता है। आज कांजी स्वामी वालों के मंदिर बहुत स्वच्छ बनते देखो, अपन उनकी तारीफ करते हैं लेकिन अपने मंदिर को नहीं बनाते वैसे, क्यों नहीं बनाते? तभी तो लोग वहां जाते हैं, साफ सफाई है, स्वच्छता है, अपने कितने गंदे मंदिर बोलो। बदल नहीं सकते, परिवर्तन नहीं कर सकते क्या? पूरी समाज यदि एक ठान लेना कि हमारे मंदिर स्वर्ग जैसे सुंदर होना चाहिए, तो ध्यान रखना दो दिन में आपका मंदिर चमक सकता है। लेकिन हम लोग गंदा रखते हैं तो द्रव्य मंगल कैसे होगा, उसको तो तुमने अमंगल कर दिया। समझ में आ रहा, क्लियर हो रही बात? मंगल यानी स्वच्छ भी होना चाहिए, मंगल यानी पवित्र भी होना चाहिए, मंगल यानी शुद्ध भी होना चाहिए, तब वो मंगल होगा। आप सबने सुना यहाँ बालाजी नगर में 2-5 दिन हम लोग रहे, बहुत अच्छा हमारा भी मन लगा, क्योंकि हमको बिल्कुल यहाँ पर मन इसलिए लगा कि हमको 1 मिनट भी टाइम नहीं मिला खाली, बोर होने का टाइम तुमने दिया ही नहीं है, सुबह से शाम वहीं वहीं 4 बजते फिर भीड़ हो जाती है, तो बोर कब हो, तुम लोग ने बोर होने तक का टाइम नहीं दिया हमको, है ना। तो अरिहंत नगर यहाँ की प्रभावना बहुत अच्छी,
हे माता जी, तुमसे अच्छी बुद्धि तो किसी में दिखती नहीं है। इतनी विनय, इतनी समर्पण। कल हम अरिहंत नगर गए, दौड़ी दौड़ी भागी भागी, मेरे यहाँ मेरे यहाँ मेरे यहाँ, वहाँ पधारो महाराज, पाद प्रक्षालन, चरण प्रक्षालन। वो जितनी भक्ति श्रद्धा मैंने वहाँ भी कहा था, यहाँ भी कहा, माता जी में बहुत ज़्यादा मुनियों के प्रति, गुरुओं के प्रति समर्पण भाव वो सब जगह दिखाई नहीं देता है। तो यहाँ का समाज भी अच्छा है, यहाँ के लोग भी अच्छे हैं। बस इतना मैंने महसूस किया है दोनों जगह कि बस तुमको सही ज्ञान दिया जाए, दिशा की जरूरत है, तो अपने आप धर्म की प्रभावना आकाश की ऊंचाइयों पर छुएगी। आपकी श्रद्धा के भाव हैं, सब कुछ है, बस एक सही मार्गदर्शन मिल जाए तो ध्यान रखना जीवन का कल्याण होगा। अब यहाँ से हम बहुत दूर तो जा नहीं रहे हैं, पड़ोस में ही तो जा रहे हैं ना। क्या नाम है? वेदांत नगर में जा रहे हैं, है ना, आर्य नंदी में जा रहे हैं। कहीं जाएं या ना जाएं, हम अपने भक्तों के दिलों में जा रहे हैं। वहाँ पहुँचेंगे, कार्यक्रम होगा, वहाँ भी 5 दिन प्रवचन चलेंगे, तो आपका मन करे कि वहाँ नए और कोई विषय सीखना है तो वहाँ पर उपस्थित हों। और सबको, पूरी समाज को, यहाँ का ट्रस्ट मंडल, मंदिर के लोग, सबको बहुत बहुत आशीर्वाद देता हूँ। और मैंने जो भी कहा है, किसी द्वेष वसात नहीं कहा है, आपकी हमारी धर्म की परंपराएं थोड़ी व्यवस्थित और सुंदर हो जाएं तो एक जीवन का आनंद अलग होता है। सबको मैं बहुत बहुत आशीर्वाद प्रदान करता हूँ। जावाणी के ज्ञान से